हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस ऑफ मार्गदर्शन आरके क्लासेस क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी के इस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्त, आज से पहले बायोलॉजी का क्लासेस अभी यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं हुआ था, सो आज वो सुनहरा घड़ी आपके लिए आ गया है जो आपको हर्षोल्लासित कर देगा, जो आपके चेहरे को हर्षित कर देगा, जो आपके चेहरे पे एक खुशी लाएगी। जिस घड़ी का आपको था इतने दिनों से इंतजार, जिस चैप्टर का था आपको ये बेसब्री से इंतजार, वो चैप्टर हम लेकर के अब आ चुके हैं और उस चैप्टर की शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं। दोस्त, क्लास एट या फिर उससे पहले तो नहीं है सेल, लेकिन क्लास एट से सेल बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। क्लास एट, नाइन और यहाँ इसके साथ साथ के क्लास टेंथ का भी इसका एप्लीकेशन होता है। हालांकि पार्टिकुलरली जो चैप्टर है सेल, उसको क्लास टेंथ में स्टडी नहीं करना है, लेकिन इसका एप्लीकेशन वहाँ पर होता है। हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर क्लास इलेवेंथ की तरफ आपका रुझान बायोलॉजी की तरफ है तो वहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब ये समझिए कि ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये आपके जिंदगी में, आपके आगे आने वाले क्लासेस में एक बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकता है। ये जो चैप्टर है आपके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक जड़ी बूटी की तरह है। जो क्लास इलेवेंथ में आपको, अगर क्लास एट और नाइन्थ आपने सेल अच्छे से पढ़ा है तो क्लास इलेवेंथ में आपको बहुत ही आराम होने वाली है, बहुत आसान लगने वाला है। यहां से शुरुआत होती है आपका सेल का। तो सेल चैप्टर को बिना देर किए हुए चलिए करते हैं आगाज, हमें जो पढ़ना है आज। क्लास नाइन्थ में सेल क्लास एट की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेटेड है। यहां पे जो हम लोग सेल चैप्टर को पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस बना करके पढ़ेंगे। वो कंटेंट किस तरीके से होगा, यहां पे एक अच्छा खासा कंटेंट वेटेज इसका अच्छा खासा है और ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा क्रूशियल भी है। क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं यहां से, सो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपके बायोलॉजी में जो मेन चैप्टर्स है, अगर बात करें सेल से एसोसिएटेड जो चैप्टर्स है, वो है आपका सेल, टिश्यू, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर्स है, हालांकि सारे के सारे एसोसिएटेड है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट एसोसिएटेड है, ये चैप्टर्स है। सो इन तीनों के लिए सेल का पढ़ना आपका अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद भी चैप्टर्स है, व्हाई डू वी फॉल इल, फूड इंप्रूवमेंट एंड रिसोर्सेज, उस तरीके से चैप्टर्स है आपका, तो वो चीज इससे थोड़ा सा कम एसोसिएटेड है। सो जो पैटर्न हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस चैप्टर को स्टडी करने में, वो पैटर्न मैं आपको आज बताऊंगा किस तरीके से स्टडी करेंगे, क्या प्रोसेसेस होंगे स्टडी के, क्या टेक्निक्स होंगे यहाँ पे, किस तरीके से टॉपिक्स को डील किया जाएगा, क्या वहां पे होगा, वो चीज को मैं आज डील करूंगा। वो चीज किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। जो यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे, वहां पे सबसे पहले क्या होगा, ये चैप्टर जो सेल होता है, सेल, ये सेल है आपका, जो सेल चैप्टर है, ये सेल चैप्टर में जो सबसे पहले आता है, कोई भी चैप्टर आप देखे होंगे तो पहले चैप्टर में क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। वो इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका सेल का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेल को डिस्कवर किसने किया, उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, वो चीज को स्टडी करेंगे। फिर जब यहां तक कुछ समझ में आ जाएगी, तब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले अगर बात करें तो हम लोग इसको, इसका इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आपका डिस्कवरी ऑफ सेल होगा, डिस्कवरी होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, जब यहां तक पहुंच जाएंगे, इसमें आपका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी देखा जाएगा,
सेल को खोज करने में, सेल के हर पार्ट्स को किस तरीके से किसने खोज किया, क्या वहां पे स्टोरी रही होगी, वो सारी चीज को देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब यहां से कुछ आगे बढ़ेंगे तो वहां तक कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म तक लेवल तक जब पहुंच जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से ये उसके सेलुलर लेवल पे किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, मतलब डिफरेंस डिफरेंस किस लेवल पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इस तरीके से देखेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की तरफ हम लोग बहुत पहुंच जाएंगे, वहां पे न्यूक्लियस के बारे में पहुंच जाएंगे। वो सारे के सारे जब पहुंचेंगे तो वहां पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट से फिर क्लासिफाई करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो वहां पे भी उसके बारे में डिफरेंशिएट करके देखेंगे ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। चौथा है हमारे पास इसके बाद जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इस लहजे में हम लोग बात करेंगे, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वहां पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये चीज, मतलब डिस्कवरी किस तरीके से हुआ, उसका उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा, वहां पे डिफरेंसेस क्या होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल, उसके साथ साथ आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके बॉडी के अंदर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है कि नहीं है, स्ट्रक्चर्स है कि नहीं है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटेंगे वहां पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसके हिसाब से आपका डिफरेंस करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद आपका जो आता है हमारा वो शेप, वहां पे स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जो अगला हमारे पास है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे यहां पे कि यहां पे जो स्टडी करने वाले सबसे पहले स्टडी करने वाले सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। उसके बाद जो हम लोग का स्टडी करने वाले स्ट्रक्चर में एक आता है हमारे पास सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हम लोग स्टडी करेंगे यहां पे सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है आपके पास साइटोप्लाज्म। कुछ इस लहजे में हम लोग को स्टडी करना है सेल को, मतलब इस तरीके से स्टडी करना है कि हमारे पास क्वेश्चंस अगर आए तो वो यू छू के निकल जाए, मतलब कि उसको मौका ना मिले कि हमसे टकराए, वो दूर से निकल जाए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, उस बोली का जो आ रहा है क्वेश्चन रूपी उसका तोड़ हमारे पास है। तो इस लहजे में हम लोग बात करेंगे इस चीज के बारे में। तो पहला जो टॉपिक हमारे पास है, जो पहला टॉपिक है हमारे पास सेल का, इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल का इंट्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे। तो जो चलिए सेल का इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। सेल का इंट्रोडक्शन दोस्त, अगर बात करें ऑर्गेनिज्म, यहां पे जो अर्थ है हमारा, जो अर्थ है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से भरा पड़ा हुआ है, डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोग यहां पे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रजातियां रहती हैं। आप देखे होंगे इस चीज को कि आपके बगल में अलग अलग अजीबो तरह के बहुत तरह के आप गिनते रह जाओगे, गिन नहीं पाओगे इतना ऑर्गेनिज्म, इतना वैरायटी होती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे अगर बात करें
तो हमारे अगल बगल में जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का अगल बगल में आपका मवेशी हो जाती है, आपका इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सारे के सारे चीज हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे, हर कुछ, फिशेज, मतलब वो भी उसमें भी डाइवर्सिटी होती है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, हो सकते हैं ना दो तरह के ऑर्गेनिज्म, वो या तो हमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को उसके साइज के हिसाब से दो टाइप से बांटा गया है, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इसको नहीं समझ में आता है तो अगर इसको बात करते हैं तो माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, दो वर्ड से बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, और ये है आपका मैक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। अब मुझे माइक्रो और मैक्रो नहीं समझ में आ रहा, तो याद कीजिए आपके स्मार्टफोन में, जिस स्मार्टफोन पे ये चीज देख रहे हैं आप, उस स्मार्टफोन में दो तरह का सिम आता होता, माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो में बड़ा साइज और माइक्रो में छोटा साइज। तो वहां पे समझाने के लिए कि छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, तो माइक्रो में होता है सूक्ष्मदर्शी, मतलब स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, इतना स्मॉल कि उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हाई प्रोफाइल, हाई क्लास के माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो इसको बोलते, ये चीज क्या होता है आपका स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये चीज क्या होता है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आई, नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज मैक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म है, जो आपके अगल बगल में जिसको आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, चाहे वो चूहा हो या फिर आपका छिपकली हो या फिर आपके जो बर्ड्स हो या फिर आपके इंसेक्ट्स हो, इन चीजों को क्या बोलते हैं आपका मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनको आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर वायरस की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो उसको नहीं देख सकते हैं और वो आते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्या है आपका, इसका मतलब होता है लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म, और ये लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म हम लोग को देख नहीं पाते, हम लोग इसको ये देख सकते हैं आप लोग, कैन बी सीन विथ नेकेड आईज, नंगी आंखों से इसको देख सकते हैं। अब दो तरह का ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रोस्कोप एक आता है सर, माइक्रोस्कोप क्या होता है, अब जरा देखिए ऑर्गेनिज्म का वैरायटी किस तरीके से है। हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट में अमीबा भी है, हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में अमीबा भी है, दूसरी चीज एनिमल्स लाइक गोट, आपका ह्यूमंस, अब कहेंगे सर ह्यूमंस एनिमल्स नहीं है, तो ह्यूमंस एनिमल्स है, आपको जानकारी दे दूं, आपका बहुत सारे, या फिर आपका बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये चीज देख रहे हैं, सारे को अगर नजर दौड़ाइएगा तो सारे अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हमारे पास होते हैं, पैरामेसियम, क्लेमाइडोमोनास, आपका ये सारे के नीचे सारे की चीज होता है, पेनिसिलियम, ये सारा का सारा चीज क्या है, ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है, मतलब हमारा जो अर्थ है पूरी तरह से इन चीजों से भरा पड़ा है। और ये चीज, इसमें से जो ये चीज होते हैं स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म और लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के साइज के हिसाब से बांटा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये चीज अमीबा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको आसानी से नहीं दिखेगा ये चीज, पॉन्ड में होता है लेकिन आसानी से आपको दिखेगा नहीं।
अब ये माइक्रोस्कोप एक वर्ड आता है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिस जो यूज किया जाता है इसको देखने के लिए, मतलब माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी और व्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जरा देखिए इस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप अगर तोड़ते हैं इसको तो दो वर्ड से बना है, माइक्रो प्लस स्कोप। स्कोप मिस होता है व्यू और माइक्रो मिस होता है वेरी वेरी स्मॉल, दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आई। मतलब एन इंस्ट्रूमेंट That is used to view microorganism. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है क्या microorganism को देखने के लिए, उसको बोलते हैं microscope। तो ये चीज क्या होता है, इसको देखने के लिए, इसको देखने के लिए कोई जरूरत ही नहीं, आपकी आंख काफी है, इतना ज्यादा पावर होता है आपके आंखों में कि इस चीज को आसानी से देख सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि इन चीजों को देख ले। आपके अगल बगल में बहुत सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन आप नहीं देख सकते हैं। COVID-19 कोरोना वायरस ये चीज को आप नहीं देख पाते हैं, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा टॉपिक्स है, ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, अभी तो इंट्रोडक्शन अभी शुरुआत है। अब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बड़ा कितना भी बड़ा हो या फिर छोटा भी हो, वो जिस तरीके से एक घर होता है, जिस तरीके से एक बड़ा बड़ा घर होता है, चाहे वो बड़ा आठ मंजिल वाला घर हो या फिर 25 मंजिला घर हो या फिर एक मंजिला घर हो, चाहे एक झोपड़ी हो, वो सारे के सारे चीज ईंट से बने होते हैं, एक ईंट से बने होते हैं, एक छोटा सा ईंट से। ठीक उसी तरीके से चाहे वो हाथी हो या फिर आपका इंसेक्ट हो या फिर आपका बैक्टीरिया हो, लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो बना होता है एक बहुत ही छोटे यूनिट से और उस यूनिट का नाम है आपका सेल, कोशिका। मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। वो चीज उस माइक्रोस्कोपिक यूनिट का नाम क्या है, सेल। इस सेल से बना होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपने को बहुत बड़ा इंसान हो, चाहे वो अपने आप को बहुत छोटा सा जानवर समझता हो, या फिर आपका इंसेक्ट्स हो या फिर आपके मस्किटोज हो जो आपके दोस्त रहा करते हैं हमेशा, जो मक्खी होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो सारे के सारे चीज क्या होते हैं, आपके सेल से बने होते हैं। बंदर तो हमारे जो होते हैं रिलेटिव्स होते हैं अगर बात करें तो, क्योंकि उनसे ही एंसेस्टर्स अगर आप स्टडी करेंगे एंशियंट ह्यूमंस की, तो वहां से उनका ट्रांसफॉर्मेशन जब सब पढ़ेंगे तो वहां पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो चीज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिट्री यूनिट कहते हैं। जी हाँ, एक मैं नया वर्ड जोड़ रहा हूं, हेरिडिट्री यूनिट। सेल इज called the basic structural and structural functional and hereditary unit।
ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यह चीज क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है, यह सेल बेसिक होता है यूनिट कह रहे हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने बोला है स्ट्रक्चरल यूनिट, तीसरा हम लोगों ने बोला यहां पे है ये फंक्शनल यूनिट, और एक चीज हमने बोला है आपका हेरिडिटरी यूनिट। अब जरा देखिए यहां पे मैंने बोला है कि सेल क्या होता है आपके बेसिक यूनिट होता है। बेसिक कहने का मतलब जिस तरीके से एक घर की घर को बनाने के लिए एक बेसिक चीज चाहिए वो आपका है ब्रिक्स, ठीक उसी तरीके से जो सेल होता है एक इंसान को बनाने के लिए या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए उसको सबसे मूलभूत जो इकाई चाहिए वो है आपका सेल। तो यहां पे होता है बेसिक। अब इस सेल का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ आकार होता है, कुछ ना कुछ फिक्स शेप होता है, तो इसकी वजह से बोलते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरी चीज, तीसरी चीज फंक्शनल मैंने क्यों बोला, क्योंकि हर सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, हर सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, इसकी वजह से इसको मैंने बोला क्या, फंक्शनल यूनिट। और हेरिडिटरी यूनिट, आप याद कीजिए कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में यही सेल्स आपका होता है, सेल्स को, सेल्स क्या करता है कैरेक्टर को भी ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो ये चीज इसके वजह से बोला मैंने क्या, हेरिडिटरी यूनिट। तो मतलब ये चीज कहता है, और कलेक्टिवली इस सेल को कहा जाता है सेल इज द फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज आपका बेसिक्स था, आपका इंट्रोडक्शन था सेल का। अभी हमारा डिस्कवरी बाकी है, एक वर्ड आएगा आपको बार बार यहां पे सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो क्या होता है, आप देखेंगे कि एक सेल स्पेशलाइज्ड होकर के थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म्ड और थोड़ा सा और ज्यादा हाई क्लासिफाइड स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक सेल के, सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में जो ट्रांसफॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या है आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर।